ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। भिवंडी की नारपोली पुलिस ने उन बदमाश नौकरों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने अपने हिमालय के गोडाउन की चाबी अपने चोर साथियों को दे दी थी और करीब 20 लाख का माल चोरी करवा दिया था। ये ऐसा है, नारपोली पुलिस स्टेशन के एरिया में वड़गांव भिवंडी दापोड़ा रोड पर एक यूनिवर्सल कॉरपोरेशन करके एक वेयर हाउस है, उसमें ड्राई फ्रूट्स और उसके साथ में ऑलिव ऑयल, इसका जो ये होता है गोडाउन में माल रिजर्व किया जाता है, वो माल का वहाँ के कुछ कर्मचारी लोगों ने डुप्लीकेट चाबी बना के कुछ आरोपी लोगों को सौंप दिया और उसमें वो आरोपी लोगों ने टेम्पो में भरकर कम से कम 6 टन ऑयलिव ऑयल और बाकी ड्राई फ्रूट्स ये सब चोरी किया था। ये गुनाह हुआ था 7/4/2022 को और इसके बारे में जब मालिक को पता चला यूनिवर्सल कॉरपोरेशन के, तो उसने 14/4/2022 को नारपोली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया था। उस कंप्लेंट के ऊपर से हमारे एपीआई चेतन पाटिल डिटेक्शन ब्रांच के इन्होंने कुछ तांत्रिक विश्लेषण और कुछ सीसीटीवी फुटेज का कलेक्शन और उसके बाद में कुछ लोकल जो इन्फॉर्मेंट रहते हैं उनके तरफ तपास करने के बाद में कुछ लोगों को पकड़ लिया और 4 लोगों को पकड़ कर उनके तरफ से ये जो चोरी हुआ था माल, वो 18/4/22 को जो चोरी हुआ माल हुआ था उसमें से 90% माल मीन्स 6,000 लीटर में से 5,000 लीटर ऑलिव ऑयल और बाकी सब ड्राई फ्रूट्स के प्रोडक्ट्स ये सब जब्त किए हैं। पुलिस ने गैंग के 4 बदमाशों को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन अभी भी इस बदमाश गिरोह के कुछ प्यादे गिरफ्तार किए जाने बाकी हैं। और कम से कम ये 20 लाख की चोरी रजिस्टर हुई थी, उसमें से 17 लाख का माल अभी तक रिकवर हुआ है, बाकी कुछ 1-2 आरोपी निष्पन्न होने के चांसेस है, उनके तरफ से भी बाकी माल रिकवर हो जाएगा। चोरी करने का इंटेंशन क्या था? ये 4 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है और एक आरोपी को अरेस्ट होने के चांसेस है। और ये जो है इनमें से जो 4 आरोपी है उसमें से 2 लोगों ने जो काम करते कंपनी में उन्होंने डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए आरोपी नंबर 3 को मदद किया था और वो आरोपी ने फिर वो गुने को अंजाम दिया था। पुलिस अब इन बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड तैयार कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या इन लोगों ने इस मॉडस ऑपरेंडी से और लोगों को चूना तो नहीं लगाया है। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।